नमस्कार, मैं हूं धनश्री के आप न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अभिजीत को मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1000 रुपए ब्राइट कैरियर स्कूल के डायरेक्टर सुनील दुबे ने प्रदान किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता नवनीत नागपाल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शिवेंदु जोशी ने क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र हरदेनिया, मुख्य अतिथि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शिवेंदु जोशी, मंचासीन अतिथि गोपाल गांगाड़ा, अध्यक्ष नगर व्यापारी संघ मदन साहू, श्रीनारायण काबरा, अशोक पुरोहित, वेणुगोपाल काबरा, नवनीत नागपाल, पुरुषोत्तम रघुवंशी, सुधा सिलावत, विनोद कुमार प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित खेल प्रेमी खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एकता स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष बलराम सिंह बेस ने बताया है कि प्रतियोगिता में आयोजक सहित राज्य के 12 टीमें शामिल हो रही है। प्रतिदिन 2 मैच खेले जाने हैं। उन्होंने बताया है कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सचिव अरविंद शर्मा ने बताया है कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय 15,000 रुपये नगद व ट्रॉफी है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच सहित अन्य अन्य पुरस्कार भी खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। वरिष्ठ खिलाड़ी अभय सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्ष 1995 से 1996 में शासकीय आरएनए मैदान पर लेदर बॉल से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। इसके बाद अब इतनी बड़ी प्रतियोगिता लेदर बॉल से खेली जा रही है। पिपरिया से गजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।